अरे मोदी सर जी, एक छोटे से कमरे में आपने ये कोचिंग सेंटर खोल रखा है, फीस पूरी 500 रुपए महीना लेते हो और नीचे जमीन में बैठा के हमें पढ़ाते हो। कम से कम बेंच का तो इंतजाम कर दो। राहुल, तुम जमीन में बैठ के सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हो तो कुर्सी या बेंचों पे ऊपर बैठ के क्या पढ़ोगे तुम? वो सब छोड़ो राहुल, मैंने तुम्हें ABCD लिखने को कहा था, ABCD लिख ली तुमने पूरी? दिखाओ मुझे। अरे लिख तो ली मोदी सर जी, ये देखो ABCD लिख ली मैंने, ये देखो कॉपी पर। अरे ये 4 अक्षर लिखने को थोड़ी कहा मैंने सिर्फ ABCD, पूरे 26 अक्षर लिखो, ABCDEFG, समझे? पूरा लिखो। कोई बात नहीं है, EFG बढ़ा देता हूँ, उसके बाद थोड़ी कुछ बढ़ाना है। अरे भाई राहुल, उसके बाद भी बढ़ाना है, HIJKLMNO। चलो मोदी जी, HIJKLMNO तक मैंने लिख लिया, इसके बाद तो कुछ नहीं लिखना है। राहुल, मैं तुम्हारी सारी चालाकी जानता हूँ, तुम्हें अभी तक पूरी ABCD याद नहीं हुई है, ऐसे ही करके हल्के हल्के पूरी ABCD मुझसे लिखवाना चाहते हो? अब मैं आगे नहीं बताऊंगा, और अगर पूरी लिखी भी नहीं हुई तो तुम ही जानोगे। अरे आज अखिलेश पढ़ने के लिए क्यों नहीं आया है? अरे मोदी सर जी, अखिलेश पढ़ने के लिए आया है, आपके पीछे बैठा हुआ है, देखो छुपकर, देखो पीछे बैठा हुआ है। अखिलेश, तुम हमेशा पीछे ही बैठते हो छुपकर, पता ही नहीं देते, कोई चीज भी याद करके नहीं लाते हो। छोटा बड़ा याद कर लिया तुमने? लेकिन मोदी जी, मैं छोटा बड़ा लिख रहा था, एक बात समझ में नहीं आ रही है, एक छोटा आ है, एक बड़ा आ है, बीच का आ कहाँ गया? जैसे तीन भाई होते हैं, अगर एक छोटा भाई होता है, एक बड़ा भाई होता है, एक बीच वाला भाई होता है, तो ये बीच वाला आ कहाँ पर है? लगता है अखिलेश, अगर मैं तुम लोगों को ऐसी पढ़ाता रहा तो ये कोचिंग सेंटर मुझे जल्दी बंद करना पड़ेगा, तुम उल्टा मुझे पढ़ा दोगे। अच्छा लालू जी, आप बताओ अपने देश में कितने जिले हैं? अरे मोदी सर जी, मैं बिल्कुल पढ़ने नहीं आऊंगा, आप मुझसे कठिन कठिन सवाल पूछते हैं, इन सब लोगों से सरल सरल पूछते हैं। अच्छा मोदी सर जी, आप ही बताओ, ये जो बैंडो में से पेड़ दिख रहा है, इस पर कितने पत्ते हैं? अरे लालू जी, ऐसे कैसे मैं बता सकता हूँ इस पेड़ पर कितने पत्ते हैं? ये बताइए मोदी सर जी, जब किसी सवाल का उत्तर आप नहीं दे सकते तो हम आपके प्रश्न का उत्तर कैसे दें? ये बताओ। ऐसा है मोदी जी, अपनी इस कोचिंग सेंटर में अपने हिसाब से हमें पढ़ने दें, आप ज्यादा अपनी टांग ना अड़ाएं, और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, गेहूं क्या रेट में खरीद रहे हो? बताओ क्या रेट में खरीद रहे हो? राहुल, गेहूं को बहुत महंगा खरीद रहा हूं, 20 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं खरीद रहा हूं। क्या ये तुम बोरे में गेहूं भरकर लाए हो? रख दो यहीं पे, 20 रुपए किलो के हिसाब से खरीद लूंगा। मोदी जी, गेहूं का रेट तो आप मद्दा लगा रहे हो, शहर में तो गेहूं का रेट 25 रुपए किलो है, और यहाँ पर आप गांव में 20 रुपए किलो के हिसाब से खरीद रहे हो। अच्छा राहुल, एक बात बताओ, मैं तुमसे 25 रुपए में गेहूं खरीदूंगा और भाड़ा लगाकर इस गेहूं को शहर में बेचने के लिए ले जाऊंगा और 25 ही रुपए बेचूंगा, तो मुझे बचेगा क्या? ऐसे तो मेरी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी, ऐसे तो मुझे गुरुद्वारे में खाना पड़ेगा। भाई मुझे भी तो थोड़ी कमाई करना होती है, तुम्हें अगर शहर में जाकर बेचना है इस गेहूं को, जाओ, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, जाकर शहर में बेच दो एक बोरी गेहूं को। अब मोदी जी, एक बात बताओ, इस एक बोरी गेहूं को कहाँ शहर लेकर जाऊंगा? अगर थोड़ा बहुत ज्यादा गेहूं होता तो बैलगाड़ी में भरकर इस गेहूं को शहर ले जाता, इसीलिए मैंने सोचा चलो गांव में आप गेहूं खरीद रहे हो, गेहूं का व्यापार कर रहे हो, तो एक बोरी गेहूं आप ही को बेच देता हूँ, पैसे की जरूरत पड़ गई तो घर का गेहूं तो बेचना ही पड़ेगा। चलो राहुल, तुम हमेशा मेरे ही पास गेहूं बेचने के लिए आती हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हें 22 रुपए किलो का रेट लगा दूंगा, 22 रुपए किलो के हिसाब से ये अनाज मुझे बेच दो। लेकिन राहुल, एक बोरी अनाज क्यों बेचने के लिए आए हो? 2-4 बोरी अनाज की और ले आओ, सब खरीद लूंगा मैं। अरे मोदी जी, आप तो खरीद लोगे, आप तो व्यापारी हो, हम तो गरीब किसान हैं। हमारा तो इस बार 5 बोरी अनाज ही पैदा हुआ था, और इस 5 बोरी अनाज को हमें 6 महीने तक चलाना पड़ता है, क्योंकि 6 महीने में हमारी दूसरी फसल आ जाती है। अब इस अनाज को बेच के घर का खर्चा पानी चलता रहेगा। अरे योगी जी भी आ गए अनाज लेकर, योगी जी आप भी क्या एक बोरी अनाज बेचोगे मोदी जी को? हाँ राहुल, घर में दाल चावल बचा नहीं, इसीलिए मैंने सोचा एक बोरी गेहूं बेचकर दाल चावल खरीद लेता हूँ। अरे अपना किसानों का तो अपनी खेती के अनाज से ही खर्चा पानी चलता रहता है, क्या किया जाए? अपना कोई मोदी जी की तरह तगड़े व्यापारी थोड़ी है, जो यहाँ से गांव से 20 रुपए किलो अनाज खरीदते हैं और शहर में 25 रुपए किलो बेचते हैं। अरे तुम लोगों को दिक्कत क्या आई होगी जी, तुम भी यही बात कह रहे हो, तुम्हें व्यापार करने को कोई मना कर रहा है? तुम भी व्यापार करो, ये खेती बाड़ी क्यों कर रहे हो? मोदी जी, हमारे इतने नाखून ही नहीं है जो सर को खुजाए, मेरा कहने का मतलब हमारे पास इतनी जमा पूंजी ही नहीं है जो व्यापार करें, हमारे तो खेत में जो पैदावार हो जाती है उसी से खाना खर्चा कर लेते हैं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
अरे राहुल, ये कैसे फटे हाल में फिर रहे हो? क्या हो गया? कैसे भागे चले आ रहे हो हाँपते हुए? अरे बता तो दो, क्या हो गया? बहुत बुरा हाल बनाकर आ रहे हो कहीं से? क्या हो गया मुझे तो बताओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। अरे क्या बताऊं मोदी जी, अमित शाह जी ने दावत करी थी, खाने पर बुलाया था आज दोपहर में। खाना खाने के लिए जा रहा था वहीं पर, अब 1 किलोमीटर तो दूर उनका घर है। जैसी ही उनकी गली में मुड़ने वाला था, 2 मोटे मोटे कुत्ते आए और मेरे पीछे पड़ गए। वहीं से 1 किलोमीटर से भागता हुआ चला आ रहा हूँ, समझो मेरे कपड़े उपड़े सब फाड़ दिए उन कुत्तों ने। क्या बताऊं, यहाँ तक पीछा नहीं छोड़ना है, देखो अभी पीछे ही खड़े हैं, घर के बाहर खड़े हुए हैं। अरे राहुल, तुम अमित शाह जी के यहाँ पर दावत खाने के लिए गए क्यों? वो तो ऐसी दावत करते रहते हैं, उनके यहाँ पर गली में 2 बहुत खतरनाक कुत्ते रह रहे हैं, जिसकी वजह से वो खुद भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। और अगर जब उन्हें बाहर निकलना होता है तो किसी न किसी की दावत कर देते हैं। अगर वो दावत करने वाला उनके घर पहुँच गया, इसका मतलब कुत्ते इधर उधर छुपे हुए हैं, और अगर नहीं पहुंचा तो वो समझ जाते हैं कि कुत्तों ने उसे भगा दिया, कुत्ते अभी बाहर हैं, अभी निकलना मुश्किल है, और वो नहीं निकलते हैं। अरे योगी जी, तो अमित शाह को मेरे साथ ही ये क्यों करना था, ये बताओ ये क्यों करना था? मुझसे तो ये बोले कि मिठाई में इमरती मंगाइए, रसमलाई मंगाइए, जल्दी जल्दी आ जाओ। अरे मैं लालच में चला गया, मुझे क्या पता था वहाँ पर ये कुत्तों से कटवा देंगे मुझको। अरे भागते भागते आया हूँ, कुत्ते तो काटने ही वाले थे। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद हो उस भगवान का जिसने मुझे बचा लिया। सिर्फ कपड़े कपड़े हत्ते आए कुत्तों को मेरे, समझे, कपड़े कपड़े फटे हैं। अरे मेरे कहीं पर दांत नहीं लगा जिस्म पे। लेकिन मोदी जी, योगी जी, ये तो बताओ, ये अमित शाह दूसरे की जान को खतरे में क्यों डालते हैं? अरे एक बार तो मुझे भी दावत पर बुला रहे थे, वो तो जे कहो मुझे बहुत बड़ा काम पड़ गया उस दिन, मैंने बताया कि मुझे काम है इसलिए मैं नहीं गया, नहीं तो आज मेरा भी हाल बिल्कुल राहुल जैसा होता। बहुत अच्छा हुआ मैं नहीं गया। राहुल कोई बात नहीं, मैं अभी जाके अमित शाह जी से शिकायत करता हूँ और कहता हूँ ऐसी हरकतें क्यों करते हो। अरे मैं जाऊँगा नहीं भाई, जाऊँगा नहीं, फोन करके शिकायत करता हूँ, समझे, फोन करूँगा, जाके तुम्हारे जैसा हाल हो जाएगा अगर मैं गया। क्या करूँ राहुल, कर दूँ क्लीन से? तुमने दाढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी कर ली है, बिल्कुल क्लीन कर दूँ? अरे नहीं मोदी जी, दाढ़ी को हाथ मत लगाना मेरे, कह देता हूँ मैं अपनी दाढ़ी को बिल्कुल तुम्हारे तरह बना रहा हूँ। तो तुम्हें क्या करवाना है, बाल कटिंग कराना है? जल्दी बताओ यार राहुल। लालू जी अपनी बालों की कटिंग कराने के लिए आए थे, लेकिन मैं सुबह से उन्हें बैठाला हुआ हूँ बाहर दुकान के। अब वो मान गए मेरी बात को, कोई दूसरा ग्राहक आ जाएगा वो थोड़ी मान जाएगा, उसे तो जल्दी ही अपना कटिंग कराना होगा या सेब बनवाना होगी। ऐसा करो मोदी जी, बाल को मत काटो, मेरी दाढ़ी है जो थोड़ी बड़ी हो गई है, इसको थोड़ी थोड़ी छोटी कर दो, बिल्कुल क्लीन सेब नहीं करना है, हल्की हल्की छोटी कर दो अपने तरह बिल्कुल। चलो भाई कर देते हैं हम, अपनी तरह बना देते हैं तुम्हारी दाढ़ी को। अरे योगी जी आ गए, योगी जी बड़ा अच्छे कपड़े पहने हो, कहाँ जा रहे हो? अरे मोदी जी एक दोस्त की शादी है, जरा शादी में जा रहा हूँ मैं। अरे किसका नंबर लगा हुआ है, उसके बाद जरा मेरी सेविंग कर देना, शादी में लेट हो जाऊंगा, नहीं तो जल्दी कर दो मेरा सेविंग। अरे योगी जी राहुल के बाद अखिलेश का नंबर है, फिर लालू जी का नंबर है, लालू जी को मैं सुबह से बैठा ला हुआ हूँ, फिर तुम्हारी सेविंग होगी, समझ लो इस बात को। अरे मोदी जी अखिलेश की सेविंग कर देना, लेकिन लालू जी की अभी मत करना, लालू जी थोड़ी देर के लिए मान जाओ, मैं शादी में लेट हो जाऊंगा, नहीं तो तुम तो आराम से बैठे हो, वैसे भी मोदी जी की दुकान के बाहर बैठे रहते हो, थोड़ी देर और बैठ जाना। अरे नहीं होगी जी, सुबह से बैठा ले पड़े हैं मोदी जी, सबका काम कर रहे हैं लेकिन मेरा नहीं कर रहे, मुझे अपनी बाल कटिंग कराना है समझे, अखिलेश के बाद मेरा ही नंबर है। अरे भाई शादी में तुम जा रहे हो, हमें क्या मतलब, शादी में खाना बढ़िया बढ़िया तुम खाओगे, हमारे पेट में थोड़ी चला जाएगा, थोड़ी देर इंतजार करो। वही होगी जी, इंतजार तो करना पड़ेगा, बिना इंतजार करे कुछ नहीं हो पाएगा समझे, अब आराम से बैठ जाओ, तुम तो एकदम सूट बूट पहन के आ गए, एकदम तैयार हो गए। अरे अखिलेश पैसे लाए हो पिछले वाले, पिछले पैसे उधार थे तुम पे, पिछले पैसे और आज जो काम कराओगे दोनों पैसे चाहिए मुझे, उधार नहीं करना है मुझे बिल्कुल। अरे मोदी जी मैं आज भी उधारी बाल कटिंग कराने आया हूँ, ऐसा है केजरीवाल परसों पैसे देंगे मुझे, उन्होंने मुझसे हाथ उधार लिए थे, फिर मैं तुम्हें दे दूंगा। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।